साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है बुंदेलखंड नेचुरल्स में। साथियों, भारत भूमि में प्राकृतिक संपदा से भरी हुई है। भारत में यदि हम देखें तो प्राकृतिक संपदाएं अथाह है। इनमें से एक जो संपदा है वो जंगली पेड़ है। यदि हम बात करें तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जंगली पेड़ है और इसे करौंदा के नाम से जाना जाता है। इसमें ढेर सारे फल आ रहे हैं, ये इनका फ्रूटिंग का सीजन है और जबरदस्त फ्रूटिंग आ रही है। इसमें आप पीछे देख सकते हैं, एकदम लदा हुआ है ये करौंदा। तो ये इसे हम करौंदे के नाम से भी जानते हैं, अंग्रेजी में इसे हम क्रैनबेरी के नाम से भी जानते हैं और आपने निश्चित तौर पे इसका स्वाद चखा होगा। अगर हम देखें, करौंदे का जो पौधा होता है कटीला होता है, झाड़ीनुमा होता है और इसका विशेष रूप से जो है बाड़ बनाने के काम में ये आता है। विशेष रूप से खेतों की मेड़ के ऊपर ये लगाया जाता है, तो ये बायोफेंस की तरह ये काम करता है। और यदि हम देखें, इसके फलों का भी उपयोग चटनी में, अचार में, मुरब्बा में, जेली में और विशेष रूप से जो बेकरी होती है उस बेकरी में इसका प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से टॉपिंग्स के लिए या और अन्य चीजों के लिए। ये बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस फल होता है। यदि मैं बात करूं तो करौंदे का जो साइज होता है वो अंडाकार होता है, छोटे साइज का होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं अंडाकार छोटे साइज का। ये इसके फल हैं, बहुत शानदार से फल हैं इसके। और इसमें यदि मैं देखूं तो इसमें दो तरह का फल वाला करौंदा आता है। एक तो जो ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये डार्क गुलाबी और सफेद रंग का है, डार्क गुलाबी और सफेद रंग का है, आप पीछे भी देख सकते हैं। और दूसरा इसमें हरा फल आता है, जो हरा फल पकने पे लाल हो जाता है और इसमें एक तरह का कालापन सा आ जाता है, डार्कनेस आ जाती है। तो यदि मैं देखूं कि ये बहुत ही न्यूट्रिशियस वैल्यू है इसमें और ये इम्यूनिटी बूस्टर एक फल है, ये पूरा का पूरा फल एक औषधि की तरह कार्य करता है। यदि हम देखें तो ये इसके औषधि गुणों में यदि हम बात करें तो इसके अंदर विटामिन ए काफी मात्रा में होता है, विटामिन सी का ये रिच सोर्स है, किसमें कैल्शियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है और इसमें आयरन भी होता है काफी मात्रा में। बल्कि आयरन की मात्रा इसमें सारे फलों में यदि हम देखें तो इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इसे आयरन की गोली या आयरन पिल्स के नाम से भी लोग जानते हैं। यदि मैं देखूं कि ये औषधि गुणों के साथ साथ इंसान को ह्यूमन हेल्थ के लिए क्या फायदे पहुंचाता है, क्या लाभ पहुंचाता है, तो यदि मैं बात करूं तो ये भूख बढ़ाने के काम आता है, इसमें पित्त को शांत करने की तासीर होती है, पाचन संबंधी तमाम समस्याओं के लिए, कब्ज के लिए, कोलन और हमारे स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ये बहुत ही ज्यादा उसे फायदा पहुंचाता है और हमारी पाचन क्षमता को बढ़ाता है। यदि मैं बात करूं तो ये हड्डियों को मजबूत रखता है, इसी तरीके से ये मसूड़ों को और दांतों को मजबूती प्रदान करता है और दांतों में कीड़े लगना या सड़न जैसी स्थिति निर्मित नहीं होने देता है। ये बालों को मजबूती प्रदान करता है, बालों में चमक और शाइनिंग लाता है, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को ये बैलेंस रखता है और बीपी को कंट्रोल रखता है। और विशेष रूप से यदि मैं देखूं तो करौंदे में जो है ना बुढ़ापा को टालने का भी गुण होता है। ये जो चेहरों पे आने वाली झुर्रियां हैं, झुर्रियों को भी बनने की जो निर्माण झुर्रियों का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसको स्लो करता है, तो बुढ़ापा भी हमें नहीं आता, झुर्रियां भी नहीं आती चेहरे पे और चेहरा एकदम ग्लो बनाए रखता है। विशेष रूप से यदि हम देखें तो करौंदे का उपयोग मूत्र संबंधी तमाम समस्याओं में होता है और स्पेशली जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, उनमें यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ये बहुत ही कारगर है और उसे होने नहीं देता है। तो इतने औषधीय गुण वाला करौंदा के फल के विषय में आज हम खेती के विषय में चर्चा करेंगे। इसका हम फल का उपयोग तो करते ही करते हैं, लेकिन इसके पौधे आप देख रहे हैं, ये झाड़ीनुमा पौधे हैं, मेरे पीछे पौधा लगा हुआ है, मध्यम आकार का झाड़ीनुमा कटीला पौधा है। तो इसका उपयोग बाड़ के ऊपर भी किया जाता है, यानी कि इसे हम फेंस बनाने के लिए भी, बायोफेंस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। तो करौंदे का प्रयोग फेंसिंग के तौर पर भी किया जाता है और मुख्य खेत में भी किया जाता है। यदि किसान भाई इसे बायोफेंस की तरह अपनी बाड़ पे लगाना चाहते हैं तो ये जो पशु हैं या जो बाहरी जो जानवर हैं जो आपकी खेती को नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो उनसे भी सुरक्षा प्रदान करता है और इसे बायोफेंस का नाम दिया जाता है। दूसरा, इसके फल को बेच करके किसान विक्रय कर सकता है, तो इसकी खेती किसान के लिए भी फायदेमंद है। तो साथियों, इस पौधे को यदि हम बात करें जलवायु की, तो भारत की जो जलवायु है इसके लिए बहुत ही सूट करती है और ये पौधा भारत में रचा बसा है, यहाँ का जंगली पौधा कहलाता है और जंगलों में ये बहुतायत से ये पौधा पाया जाता है, होता है। और हमारे यहाँ पे तो जंगलों में जो बुंदेलखंड के जंगल है यहाँ पे तो प्राकृतिक तौर पे ये पौधा के खूब सारे जंगल है और बहुत मात्रा में ये पौधा पाया जाता है। और इसके जो फल होते हैं बहुत ही टेस्टी होते हैं, खाने में स्वादिष्ट, खट्टे, जायकेदार, थोड़ा सा मीठा हो जाता है, तो हल्का सा पकने के बाद ये मीठा हो जाता है। तो इसका तमाम तरह का उपयोग हम कर सकते हैं और पूरी भारत में ये विशेष रूप से पथरीली, ककड़ीली
अगर हम बात करें बंजर भूमियों पे भी ये पैदा हो सकता है, यानी इसके लिए आप रफ से रफ भूमि भी, बेकार से बेकार भूमि भी होगी तब भी ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, और लगभग 6 से 8 साढ़े आठ तक पीएच वाली भूमियों में ये पौधा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो किया जा सकता है, और ऑटो प्राकृतिक तौर पे ये जो है वहां पे पैदा होता है। और अगर हम बात करें कि इसको लगाने का सही समय क्या होगा, यदि हम देखें वर्ष में इसे 2 बार हम लगा सकते हैं, पहला तो जुलाई और अगस्त जो अभी सीजन चल रहा है, एकदम परफेक्ट टाइम है ये लगाने का। और यदि हम बात करें पानी की व्यवस्था यदि किसी किसान साथी के पास में है तो इसे फरवरी मार्च में भी लगा सकता है। उन्नत किस्मों के विषय में बात करूं, भारत में तो ट्रेडिशनल किस्में ही ज्यादा फेमस है, लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे तो 3 तरह की किस्में आमतौर पर प्रचलित हैं, और इन तीनों तरह की किस्मों के जो फल हैं अलग अलग कलर के आते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे तो कैरिसा गेंड्री फ्लोरा करके एक वैरायटी है, यदि हम बात करें तो इसका जो फल होता है गोल होता है, छिलका पतला होता है, और ये कच्चा रहता है तो हरा रहता है, पकने पे ये लाल हो जाता है, डार्क शेड में आ जाता है। दूसरी जो वैरायटी है ये कैरिसा इडुलिसा कहलाती है, और ये बाड़ पे जो फिनिशिंग खेत के चारों ओर अगर हम बाड़ की बात करें इस पे लगाने के लिए ये बहुत अच्छी वैरायटी है, क्योंकि ये हाइट ज्यादा नहीं पकड़ती, झाड़ीनुमा होती है और डेंस होती है, कांटों की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, तो ये बाड़ पे लगा सकते हैं आप। इसका फल जो है गोल होता है, अंडाकार होता है, और ये फल लाल होता है, अगर आप देखें तो लाल होता है, और ये पकने पे काला फल हो जाता है, इसका कलर बदल जाता है। तो इसकी अगर हम बात करें, और एक उन्नत वैरायटी है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पंत मनोहर के नाम से जानी जाती है, और इसका जो फल होता है गोल छोटा अंडेकार होता है, लेकिन इसका जो कलर होता है वो लाल, मैं बात करूं तो गहरा गुलाबी और सफेद, ये 2 रंग लिए हुए होता है, तो इसे आप इस तरीके से पहचान सकते हैं। इसके अलावा नरेंद्र करौंदा वन करके एक प्रजाति विकसित की हुई है नरेंद्र यूनिवर्सिटी जो है फैजाबाद में, तो बहुत अच्छी वैरायटी है। इनमें से आप कोई भी अच्छी वैरायटियों के चयन करके अपने खेत पे आप इसे लगा सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो मुख्य खेत में लगाने के लिए इसे 2 तरह से लगाया जाता है, पहला तो हम इसे बीज के माध्यम से इसकी नर्सरी तैयार करते हैं और फिर मुख्य खेत में लगाते हैं, तो नर्सरी हम वैसे तैयार होती है सारे फसलों की, वैसे ही इसकी नर्सरी हम तैयार कर लेते हैं। दूसरा ये बडिंग और ग्राफ्टिंग के माध्यम से भी ये पौधा लगाया जाता है, तो बडिंग और ग्राफ्टिंग के लिए आप किसी अच्छी पौधशाला में नर्सरी में संपर्क करके इसकी अच्छी प्रजातियों का चयन करके अपने खेत में लगा सकते हैं। यदि मैं बात करूं तो मुख्य खेत में यदि हम इसे लगाना चाहते हैं और खाली हम अपने खेत की बाहरी पे चारों ओर बाड़ पे फेंस पे लगाना चाहते हैं तो लगभग 1 मीटर की डिस्टेंस पे हमें इसे लगाना चाहिए, और यदि मुख्य खेत में आप इसे लगाना चाहते हैं तो मुख्य खेत में लगाने के लिए लगभग पौधे से पौधे की दूरी, प्लांट टू प्लांट का डिस्टेंस 3 मीटर होना चाहिए, और 2 लाइनों के बीच की दूरी लगभग 4 मीटर के आसपास रखी जा सकती है। तो इससे आप देखेंगे बहुत अच्छा बाग आपका करौंदे का तैयार होता है, और इसमें विशेष देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है, इसे मांग के अनुसार फसल की पानी आप लगाते रहें, और ये रफ एंड टफ पौधा है, बहुत ही हार्डी पौधा होता है ये, और इसमें बहुत ज्यादा देखरेख की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें कीड़े व्याधि बहुत ज्यादा नहीं लगते हैं, ना के बराबर लगते हैं। तो आप इस पौधे को अपने खेतों में लगाइए, और आप इसे बायो फिनिशिंग की तरह अपने खेत के चारों ओर लगाइए, जिससे जो पशु हैं अन्ना पशु आवारा पशु हैं वो आपके खेत को सुरक्षा प्रदान करेगा, और इसके फल विक्रय करके आप इससे आमदनी कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं इसकी पैदावार को लेकर के तो ये जून जुलाई में इसका फल निकलने लगता है, और एक पौधे से यदि हम बात करें तो जो ग्राफ्टेड पौधा होता है ये लगभग 2 से 3 वर्षों में फल देने लगता है, और बीजू पौधा लगभग 5 वर्ष के आसपास फल निकालना चालू करता है, और एवरेज एक पौधे से यदि हम देखें तो 15-20 किलो से लेकर के 25-30 किलो तक एक पौधे से फल हमें एक बार की फलत में मिल जाता है। तो आप इस तरीके से जो ये करौंदा है इसकी खेती आप कर सकते हैं, ये औषधीय फसल है, इसको आप लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं, एक तरफ तो आप अपनी खेत पे बाड़ के रूप में, दूसरा आप इसको विक्रय करके आमदनी कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जैसे ही इसका फल टूट जाए, और टूटने के बाद फल को आपको क्या करना है, इसको इसकी काट छांट कर देना है, जो इसकी शाखाएं अनियमित वृद्धि हो रही हैं इनको आप काट छांट देंगे, तो अगले वर्ष फिर ये बूम फ्लावरिंग के लिए फ्रूटिंग के लिए तैयार रहेगा। तो आप सभी किसान भाइयों से विनती है कि आप भी अपने खेत पे करौंदा रूपी जो हमारा देसी फल है, देसी पौधा है हमारा करौंदा, जंगली पौधा है हमारा करौंदा, इसे आप खेती करके लाभ कमा सकते हैं। आप सभी से निवेदन है आप जहर मुक्त केमिकल फ्री भोजन खुद खाइए, अपने परिवार को खिलाइए, आप स्वयं समृद्ध बनिए, देश को समृद्ध बनाइए। जय हिंद, जय बुंदेलखंड।